चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जिक्र के बीच भारत के मिशन चंद्रयान 1 से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर पहली बार में किसी को शायद यकीन ना हो। आपने हमने ये तो कई बार सुना है कि लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन कोई ये कह दे कि चांद में जंग लग रहा है तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? शायद आपका जवाब ना हो, लेकिन भारत के चंद्रयान 1 ने कुछ ऐसी ही बड़ी खोज की है जिसके हवाले से ये खबर सामने आई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 1 ने इस खोज के दौरान चांद की कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। क्योंकि वो ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर ये लग रहा है कि चांद को जंग लग रहा है। इस पर जंग लगने के दाग तक दिख रहे हैं। इससे यह मालूम चलता है कि चांद पर लोहे की मौजूदगी है। यही नहीं, चांद की सतह पर तो ऑक्सीडाइज आयरन यानी लोहे के अंश हेमटाइट दिखाई पड़े हैं। धरती पर तो लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन चांद पर लोहे के अंश मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान है। लोहे पर जंग लगने का मतलब ये है कि वहां पर हवा और पानी यानी ह्यूमिडिटी की मौजूदगी है। साइंटिस्ट को चांद पर बर्फ की मौजूदगी तो पहले ही मिली थी, लेकिन हेमटाइट की खोज बहुत बड़ी है। साइंस एडवांसेस नाम की साइट पर प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की रिसर्च के मुताबिक चांद की सतह पर हेमटाइट का पता भारतीय चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने लगाई है। इस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ शुआई ली का कहना है कि चांद की सतह पर हेमटाइट बनाना हैरानी वाली बात है, क्योंकि धरती का ये उपग्रह लगातार सूर्य की सौर की तूफानों को झेलता है। सौर तूफानों की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु चांद की सतह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जबकि आयरन ऑक्सीजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम होने पर ही होता है। चांद पर हेमटाइट की मौजूदगी उस स्थिति में ज्यादा है जो पृथ्वी के नजदीक है, यानी धरती के वायुमंडल का असर चांद पर भी पड़ रहा है। शुआई ली का कहना है कि हो सकता है कि ये धरती के वायुमंडल का असर हो। शुआई ली ने यह भी कहा है कि धरती के नजदीक वाले चांद के हिस्से पर ही केवल बर्फ मिली थी। अब हेमटाइट का उसी स्थान पर मिलना ये बताता है कि नमी और लोहे की मौजूदगी चांद पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।